चुनावी माहौल है, ऐसे में बड़े नेता हो या कार्यकर्ता, दल बदल भी खूब हो रहा है। कभी विकासपुरी से आपके टिकट पर चुनाव लड़ चुके अशोक शर्मा अपने 150 समर्थकों के साथ बीती रात बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद परवेश वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह मौजूद थे। वहीं अशोक शर्मा का कहना है कि जिस विचारधारा के लिए आप में था, वही विचारधारा कहीं खो गई। ऐसे में बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो विकास और देशहित दोनों कार्य कर रही है। कि आम आदमी पार्टी का जो झूठ बोलने का जो तरीका है, आज लोगों को विकास जो इन्होंने बोला था कि दिल्ली में जो है कुछ नया करेंगे, लोगों को ऐसा सपना दिखाया था, लेकिन लोग हताश हैं। आज जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर जब जाते हैं गली मोहल्ले में, तो उनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। लोग गुस्से में हैं, लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि कोई काम, डेवलपमेंट काम ही नहीं हुआ। तो वर्कर जो हताशा महसूस करते हैं, वर्कर को ऐसा ट्रीट करते हैं जैसा कि इनका जो नौकर हो, इस तरह के बर्ताव करते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो है में इन्होंने विश्वास रखा, भारतीय जनता पार्टी में आज 150 से ज़्यादा संख्या में लोग, ये 20 से ज़्यादा पदाधिकारी हैं जो किसी न किसी पद पे रहे हैं, वो ज्वाइन किए हैं और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। पूरी 150 का विंग है जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी के सामने सभी ने जो सदस्यता ली है, मैं इनका अपने परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पद के लिए नहीं, जब मैं चुनाव लड़ रहा था निगम पार्षद का, वार्ड 23 से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, तो मेरा जो कैंपेनिंग मैनेजर था वो एक कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम कर रहा था, जिसका परिणाम आ चुका। आज वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के विधायक ने शायद उससे में ये नहीं गारंटी नहीं था कि शायद इसलिए कहा कि आप हमारी पार्टी में आओ, यहाँ से आपको चुनाव लड़ा। क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल की हवा है? मेरी समझ में आज मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, ये प्रश्न मेरे लिए, इसका जवाब तो जो पार्टी के मुख्य रूप से बड़े अधिकारी है वो दे सकते हैं। कितने मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ मैं उसका आदमी होता हूँ। कितने लोग आज आप शामिल हुए? लगभग 150 के आसपास, और बहुत सारे पदाधिकारी हैं जी, जैसे पूर्वांचल जिला अध्यक्ष चंदन यादव जी हैं, ये बाढ़ के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, वो के साथ में काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कराया। क्या माना जाए, ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को? यस, क्यों नहीं।